कहते हैं ना ना आप आप सफलता तब तक तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस हो और इसको इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि कभी आप जीतते हैं और कभी आप सीखते हैं राइट right? और इसको अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो समटाइम्स यू विन एंड समटाइम्स यू लर्न तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज के अपने सेशंस की जो, जो कि होने वाला है करंट अफेयर के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर करंट अफेयर पूछा जाता है तो बहुत ही उपयोगी सेशन आपके लिए सिद्ध होगा ठीक है हम रोज आपके साथ छह बजे जुड़ते हैं सुबह तो मेक श्योर की आप कंटिन्यूसली जो करंट अफेयर है उनको फॉलो कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाए शुरू करते हैं पहला जो हमारा करंट अफेयर है उससे तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो याद रखनी है कि मिस्ता जो एक बहुत ही फेमस एयरलाइन है वो मर्ज होने वाली है एयर इंडिया के साथ बाय 2024 तो जो विस्तारा है वो एयर इंडिया के साथ मर्ज हो रही है जो विस्तारा है वो सिंगापुर एयरलाइंस के अंडर में आती है और वो मर्ज हो रही है टाटा सन्स जिनकी एयर इंडिया है है ना जो सिंगापुर एयरलाइंस है उनकी विस्तारा और टाटा सन्स की एयर इंडिया आपस में मर्ज होंगी जिसमें जो सिंगापुर एयरलाइंस है उनको ट्वेंटी स्टेक्स मिलने वाला है और जो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी टू थाउजेंड फिफ्टी एट पॉइंट फाइव करोड़ जो कि इक्वलेंट होता है टू फिफ्टी मिलियन डॉलर के ठीक है तो इस ट्रांजेक्शन में जो सिंगापुर एयरलाइन है उनको ट्वेंटी का स्टेक मिलेगा ठीक ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन परसेंट स्टेक विल बी इन लार्ज टू एयर इंडिया ग्रुप इट विल हैव एयर इंडिया विस्तारा एयर एशिया इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस तो ये चारों एयरलाइन मिलकर आपस में एक एयरलाइन बनने वाली है एयर इंडिया विस्तारा एयर एशिया इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस और ये जो चारों एयरलाइन है इनका जो मर्जर है वो एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो ये मर्जर इसलिए किया जा रहा है ताकि जो आम लोग हैं उनको लो कॉस्ट फ्लाइट ऑप्शन प्रोवाइड किए जा सके चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग ने रिलीज कर दिया अपनी स्टडी रिपोर्ट ऑन कार्बन कैप्चर टू अचीव नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय सेवेंटी तो नीति आयोग ने अपनी एक हाल ही में रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो ट्वेंटी सेवेंटी तक ट्वेंटी सेवेंटी तक जो है वो कार्बन कैप्चर को आ, मतलब जो अचीव कर लेंगे जीरो एमिशन टारगेट ठीक है यानी कार्बन का जीरो एमिशन टारगेट अचीव कर लेंगे ट्वेंटी सेवेंटी तक तो स्टडी रिपोर्ट जिसका टाइटल था कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया इसको रिलीज किया गया है रिलीज uh, में यह बताया गया है कि किस तरीके से कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज और अमीशन रिडक्शन स्ट्रेटेजी टू अचीव डी डी कार्बोनाइजेशन फ्रॉम द हार्ट टू अबेट सेक्टर तो कुल मिला के किस तरीके से कार्बन को हमारे कार्बन uh, जो है उसको कम किया जा सकता है डी किस तरीके से किया जा सकता है इस रिपोर्ट में यह बताया गया है रिपोर्ट आउटलाइन ब्रॉड पॉलिसी इंटरवेंशन नीडेड अक्रॉस वेरियस सेक्टर फॉर इट्स एप्लीकेशन तो उन्होंने बताया किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में हम कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं ताकि कार्बन के कंजम्शन को कम कर पाए उन्होंने ये भी बताया है किस तरीके से कार्बन को यूज कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में लाइक आपका ग्रीन यूरिया हो गया उसमें आप कार्बन को यूज कर सकते हैं फूड बैवरेजेस में कार्बन को यूज किया जा सकता है बिल्डिंग मटीरियल्स जैसे कि आपका कॉन्क्रीट एग्रीगेट केमिकल्स पॉलिमर्स और एनहांस वाली रिकवरी वाइड मार्केट अपॉर्चुनिटीज इंडिया थर्स सब्सटेंशियली टू सर्कुलर तो यही सब रिपोर्ट में बताया गया किस तरीके से CO2 को यूज करके आ उसका जो एमिशन है उसको जीरो किया जा सकता है और ट्वेंटी सेवेंटी तक जीरो नेट अमिशन ऑफ टारेट को अचीव किया जा सकता है नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्चेज स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ पावर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेगावाट फॉर फाइव मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वो चार हजार पांच सौ मेगा बिजली को प्रिक्योर करेंगे अंडर शक्ति पॉलिसी शक्ति पॉलिसी के तहत वो चार हजार पांच सौ मेगा वॉट की जो बिजली है उसको प्रिक्योर करेंगे और ये इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि जो भी स्टेट आ, पावर शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं उनकी मदद हो सके शक्ति जो स्कीम थी आ, वो आ, इसलिए लागू की गई थी ताकि जो कोयला ट्रांसपेरेंसी है इंडिया को उसको एलोकेट किया जा पाए और 2018 में इसको लॉन्च किया गया था ठीक है तो ये स्कीम इसलिए लॉन्च की गई थी ताकि जो भी स्टेट्स जो पावर शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं उनको हेल्प किया जा सके ज्यादा से ज्यादा पावर को जनरेट करने में ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हेल्थ नोटिफाइड द गाइडलाइंस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ पावर ऑन फाइनेंस ऑन एंड ऑपरेट तो ये सारी चीजें भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आई एफ एफ आई फिफ्टी थ्री में जो हमारी इरानियन फिल्म थी हमारी नहीं इरानियन फिल्म है नरगेशी इसने जीत लिया है आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल तो काफी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है कि जो नरगेसी है उनको मिल गया है नरगेसी फिल्म एक ईरानियन फिल्म है जिसको मिल गया है आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल तो ईरानियन फिल्म नरगेसी बाय डायरेक्टर इसके डायरेक्टर कौन थे पायम ठीक है तो ये आप डायरेक्टर का, डायरेक्टर का नाम भी याद रख सकते हैं पायम हैज द द गांधी मेडल एट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया तो ये जो IFFI का फुल ठीक है, तो इसका फुल क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया। ये पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशन में तो किस फिल्म को मिला है आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल यह मिला है इराजियन फिल्म नरगेसी को और उसके डायरेक्टर थे पयम ठीक है और कौन सा एडिशन था ये फिफ्टी थर्ड एडिशन था है ना ये बात भी याद रखिएगा कौन सा एडिशन था फिफ्टी थर्ड एडिशन था फिल्म इज अबाउट अ मैन विथ डाउन सिंड्रोम तो डाउन सिंड्रोम एक तरीके का सिंड्रोम होता है आ, काफी दर्दनाक सिंड्रोम है तो इसमें क्या होता है कि कॉन्शियसनेस और बर्डन मतलब ये थोड़ा सा फेस वगैरह भी इसमें चेंज हो जाता है और कॉन्शियसनेस थोड़ी सी कम हो जाती है ठीक है तो इसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी दिस ईयर नाइन फिल्म फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड चूजन टू कम्पीट इसमें जो टोटल जो लिस्ट थी जिनके बीच में अवार्ड दिया जाना था वो नाइन फिल्म थी ठीक है तो कौन कौन फिल्म सी Sisters, फिल्म थी इसके अंदर द टेल ऑफ टू सिस्टर्स एक बांग्लादेशी फिल्म थी फॉर्चून जो कि तजाकिस्तान की फिल्म थी मदर बल्जेरिया की फिल्म थी नानू कुसुमा जो कि इंडिया की फिल्म थी नरगेसी ईरान की फिर देन पालोमा जो कि ब्राजील और ब्राजील की फिल्म थी देन पुर्तगाल और ब्राजील की मिला के थी वो देन आपका साउदी वलक्का जो कि इंडिया की फिल्म थी कश्मीर फाइल्स जो कि इंडिया की फिल्म थी वाइट डॉग जो कि एक आपकी कैनेडियन uh, फिल्म थी तो ये सारी नौ फिल्मों के बीच में जो नरगेसी इनियन फिल्म थी उसको मिला है आपका आईसीएफटी गांधी मेटल इन दिफ्टी थर्ड आई एफ एफ आई फिल्म फेस्टिवल देन इसके बाद इंदौर जो है उसको प्लान कर रहा है वो इंडिया का पहला रिटेल मुंसिपल ग्रीन बॉन्ड और सोलर प्लांट तो इंदौर आप जानते ही होंगे काफी प्रगतिशील सिटी है काफी ज्यादा विकास भी है यहाँ पे और काफी ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी भी है ये इंडिया की तो इंदौर को म्यूनसिपल इंदौर म्यूनसिपल कारपोरेशन सीख कर रही है 2.6 बिलियन रुपीस यानी कि 31.8 मिलियन 10 साल के बॉन्ड सेल से ठीक है 10 साल के बॉन्ड बॉन्ड को से 10 साल के बॉन्ड सेल से थे, वो ट्वेंटी बिलियन रुपीस को गेन करेंगी अकॉर्डिंग टू दिव्यांग सिंह द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंदौर स्मार्ट सिटी हु इज वर्किंग द द द द वेरियस स्टेक होल्डर टू टू फाइनलाइज ऑफरिंग ऑफरिंग फ्रॉम इंदौर इज इज सेंट्रल स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश सेट बी द कंट्री मेड इन म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड बॉर्ड फॉर रिटेल इन्वेस्टर तो जो ये ग्रीन बॉन्ड है ये रिटेल इन्वेस्टर्स को बेची जाएगी और जिसके तहत टू पॉइंट सिक्स बिलियन रुपीज का जो फंड है उसको रेज करने की कोशिश की जाएगी तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप याद रख सकते हैं कि पहला फर्स्ट रिटेल यानी पहली बार मुंसिपल ग्रीन बॉन्ड को बेचा जाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स को यानी कि पब्लिक को ताकि 2.6 बिलियन रुपीस रेस किए जा सके ग्रीन डेप्ट स्टेल ऑकरिंग वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड दैट एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विल नीड टू इकनॉमी एट फोर्टी बिलियन ओवर द नेक्स्ट फिफ्टीन ईयर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट डिमांड फॉर अ फास्ट ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन इंडियन सेंट्रल बैंक ऑल्सो है लोकल अथॉरिटीज विच हर डिपेंडेंट ऑन बैंक लोन ऑन गवर्नमेंट ग्रांट टू कंसडर रिशिंग मुंसिपल बॉन्ड टू मीट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नवंबर 28 इज मार्क्ड एस रेड प्लैनेट डे तो जो 28 नवंबर है उसको रेड प्लैनेट डे के तौर पे मनाया जाएगा अब बात आती है कि 28 नवंबर को ही क्यों तो 28 नवंबर को पहली बार सक्सेसफुली जो हमारी स्पेस मिशन था मार्स के लिए वो सक्सेसफुल हुआ था हमारा नहीं मतलब पहली बार

वो सक्स वो लॉन्च किया गया था 28 नवंबर 1964 को इसीलिए इस दिन को एज अ रेड प्लैनेट डे मनाया जाएगा ये जो सक्सेसफुल मिशन था जिसमें आप प्रोड्यूस 24 पिक्चर्स ऑफ द मार्टियन सरफेस तो मार्स के सरफेस की 22 पिक्चर्स ये खींच के लाया था दिस पिक्चर वाज द फर्स्ट एवर क्लोज So, जो, जो ट है जो हमारी पेरा ओलम्पियस्ट मेडलिस्ट है लिखारा ठीक है अभी भी इन्होंने गोल्ड मेडल दिया था, था जो ट्वेंटी ट्वेंटी में हमारा पेरोलम्पिक हुआ था टोक्यो में

तलवार जो थे डायरेक्टर स्पोर्ट्स मानव रचना एजुकेशन मतलब तो दो अवार्ड मिले हैं यहाँ पे मिस्टर तलवार को आ, सरकार तलवार को पहला तो उनको मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द अवार्ड और सेकेंड उनको मिला है द्रोणाचार लाइफ टाइम अवार्ड ठीक है बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाकी जो आ, अपार्ट फ्रॉम द तलवार अवनी लेखारा आपको बता था इनको दो मेडल मिले थे टोकियो ट्वेंटी ट्वेंटी में उनको पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है साथ ही साथ थात जो हमारे श्रेया कड्याण थे उनको रेकोगनाइज किया गया है स्पेशल पर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का ठीक है मेस्ट बेल कोच जो था वो आरबी रमेश और बेस्ट फीमेल कोच जो मिला है वो मिला है नौनीताल लाल कुरेशी को पॉक्स डिसीज जो है उसका नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया गया है डब्बूएचओ के द्वारा तो एम पॉक्स है सर्कुलेटेड इन द रूरल डेवलपमेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया सेंट्रल अफ्रीका एंड वेस्ट अफ्रीका फॉर डिकेट्स तो जो एम पॉक्स है यानी कि जो मंकी पॉक्स है आपके सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में काफी ज्यादा फैलने वाली बीमारी है इसका मंकी पॉक्स से नाम बदलकर अब एम पॉक्स कर दिया गया है तो एम पॉक्स जो है आ, मतलब ये डब्ल्यू एच ओ अब ये जो मंकी पॉक्स को एम पॉक्स के नाम से बुलाया जाएगा दिस डिसकन टू मिनिमाइज दोइ नेट ऑफ द करेंट ने तो इस तरीके से नाम सेलेक्ट किए जाते हैं डब्ल्यूएचओ के द्वारा ताकि उनका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े है ना कोई भी कास्ट कल्चर रिलीजन के तौर पर कभी भी नाम सेलेक्ट नहीं किया जाएगा ये क्राइटेरिया है डब्ल्यू एच ओ का नाम सेलेक्ट करने के लिए प्रोटेडेड न्यू क्राइटेरिया फॉर नेमिंग इन्फेक्शन डिसीज एंड अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ने अन्पैक्ट टू ट्रैवल टूरिज्म से हम नाम मतलब चूज चूछ करता है ताकि उसका कोई भी अननेसरी नेगेटिव इंपैक्ट किसी पे ना पड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपसे पूछा जाएगा क्योंकि हाल ही में मंकी पॉक्स काफी ज्यादा सुरक्षित में रहा था इंडिया में भी तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो मंकी पॉक्स का नया नाम है वो क्या हो गया है डब्ल्यू एम पॉक्स हो गया है

वैक्सीन को भी इनहेल कर पाएंगे तो ये दुनिया की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन है ठीक है और इस बेसिकली इसके आपको दो डोज होंगे उसके बाद बूस्टर डोज भी लग सकता है इनको विदीबलाइज साइसोन कैंडिडेट इन फेज वन ये आपको याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन है इनकोवैक फॉर द कोविड नाइनटीन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एफ एस एस ए आई ने अप्रूव कर दिया है को एज अ फूड एनिमल तो हिमालयन हिमालय इस तरीके से कुछ दिखता है हिमालयन हिमालय तो इसको जो है वो अप्रूव कर दिया गया है फूड एनिमल बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है एफ एस एस ए आई द मूव इज एक्सपेक्टेड टू शो द डिक्लाइन ऑफ हाई एल्टीट्यूड बोवाइन एनिमल पॉपुलेशन इन कॉर्पोरेट इन टू द कन्वेंशन मे एंड मीट इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल तो ये इसलिए किया गया है ताकि टू हेल्प कर पाए हम जो हाई एल्टीट्यूड एनिमल की पॉपुलेशन है उनको बढ़ाने के लिए फूड एनिमल विल बिकम ऑफिशियल नोटिफाइड द फॉलोइंग अप्रूवल बाय द अथॉरिटी तो फूड इंडिया टैग मिल गया है फूड एनिमल टैग मिल गया है येक को येक को हिमालयन इंडियन आर्मी इज ट्रेनिंग डॉग्स एंड काइट्स टू तो आइडेंटिफाई फॉरन ड्रोन जो इंडियन आर्मी है वो डॉग्स को ट्रेन कर रही है और काइट्स को भी ट्रेन कर रही है ताकि वो फॉरेन ड्रोन के बारे में बता पाए ठीक है तो जो डॉग है वो अलर्ट करेंगे आर्मी को अगर उनको कोई भी नॉइस सुनाई देती है फॉरिन ड्रोल्स यानी कि आजू बाजू के हमारे जो देश है जो हमारे देश है और जो अगर ड्रोन्स वगैरह भेजते हैं तो ये क्या कर पाएंगे उनकी आवाज सुनकर इंडियन आर्मी को बता पाएंगे द काइट नेम्ड और जो काइट है अर्जुन उनको भी ट्रेन किया जा रहा है हमारा जो इंडो यूएस का जॉइंट अभ्यास चलता है युद्ध अभ्यास 22 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि इंडिया और यूएस के बीच कौन सा अभ्यास होता है तो इंडिया और यूएस के बीच जो अभ्यास होता है वो आता है आपका युद्ध अभ्यास ट्वेंटी ट्वेंटी टू उसमें भी जो हमारी काइट नेम अर्जुन है उसको ट्रेन किया जा रहा है एटीन एडिशन ऑफ द इंडो यूएस Training ट्रेनिंग युद्धाभ्यास वॉज हेल्ड इन ऑली तो जो आपका एटीन एडिशन है अभ्यास का वो कहाँ पे मनाया जा रहा है ऑली में मनाया जा रहा है इसके पहले मैंने आपको जो हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अभ्यास होता है उसके बारे में बताया था उसका जो नाम है वो आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स पे उत्तराखंड फॉर्म और उसके अलावा ये फोर्टीन अक्टूबर से थर्टी अक्टूबर तक मनाया गया था Earlier this month, BSF Director General Pankaj Kumar Singh is informed the instances of drones. तो ye aap yaad rakh sakte hain theek hai BSF detected over 79 drones flight among the indian pakistan international bodies in 2020. तो 69 drone ko identify kar liya tha India ne आपकी जो BSF है, उसने जो हमारी India-Pakistan की border है, उसमें, ठीक है? इसके अलावा, last जो आपका आज का current affair है, वो यही है कि Mumbai ranks 22nd in global prime cities index by

तो यहाँ पे जो दुबई है वो सबसे ज्यादा वहां पे है 88.8 परसेंट एक साल में बढ़ गया वहां पे और और भी जो दूसरी सिटीज हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं ज्योरिच इंडनबर्ग बर्लिन दुबई तो एक साल में कितने पैसे वहां पे रहने के लिए ज्यादा हमें देने पड़ रहे हैं इसके रिलेटेड ये इंडेक्स होता है चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि देख पाए कि जितनी चीजें हमने अभी तक समझ रही है पढ़ने पढ़ी है वो आपको समझ में एक्चुअल में आई है कि नहीं आई है चीजें आप याद रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं सारी चीजें तो यहाँ पे कवर नहीं हो पाएंगी पर बेसिकली जो आपका एक आउटलाइन है वो हम यहां पे जरूर बना लेंगे कि क्या क्या चीजें हमने आज चलिए पहला क्वेश्चन है आपका आ, विस्तारा टू मर्ज विथ एयर लाइन तो अगर आप चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ हैं कमेंट कमेंट बॉक्स में ठीक है विस्तारा टू मर्ज विथ एयरलाइन जो विस्तारा है वो किसके साथ मर्ज होने वाली है तो जो विस्तारा है वो एयर इंडिया के साथ मर्ज होने वाली है तो पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका एयर इंडिया नीति आयोग स्टडी रिपोर्ट टू अचीव नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय 2070 तो नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट सबमिट की अभी नायोजन फुटप्रिंट कार्बन फुटप्रिंट कार्बन कैप्चर और ऑक्सीजन रिपोर्ट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका जो आंसर है आप चाहें तो साथ में कमेंट करते जा सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा कार्बन कैप्चर इसका आंसर क्या हो जाएगा कार्बन कैप्चर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर ऑफ तो कितना मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो कितना प्रोक्योरमेंट करेगा पावर का फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेगा वाट विच सिटी फिल्म आईसीएफ गोल्ड गांधी मेडल है ना तो गांधी मेडल किसको मिला था ये मैंने आपको बताया था नर गेसी को चलिए सिटी प्लांट फर्स्ट डिटेल म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड फॉर सोलर प्लांट तो किस सिटी ने प्लांट किया पहला म्यूनसिपल सोलर बॉन्ड के लिए तो वो हमारी सिटी थी कौन सी नागपुर इंदौर जयपुर गांधीनगर आंसर हो जाएगा इंदौर रेड प्लैनेट डे कब मनाया जाता है रेड प्लेनेट डे मनाया जाता है ट्वेंटी एट नवंबर को विच एनिमल इज फूड एनिमल बाय तो ये एनिमल था हमारा हिमालयन याक ठीक है और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे सारी चीजें मैंने डिस्कस की किए कुछ आपका जनरल क्वेश्चन मैंने लेने की यहाँ पे कोशिश की है विच सिटी रैंक ट्वेंटी सेकेंड इन द ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स वो थी हमारी कौन सी सिटी मुंबई ठीक है चलिए दो क्वेश्चन आपके लिए जो आपको कमेंट करके बताना है फुल फॉर्म क्या होता है डीसीजीआई का इसी सेशन में मैंने आपको बताया है डीसीजीआई का फुल फॉर्म और सेकंड जो आपको कमेंट करके बताना है कि जो इनको वैक जो मैंने आपको बताया था वो किस चीज से रिलेटेड है या किस तरीके की मेडिसिन है ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे कमेंट कर कर बताना है चलिए इस सेशन के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज है उसको पसंद कर रहे होंगे और लगातार उसको फॉलो भी कर रहे होंगे काफी उपयोगी सिद्ध होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए तो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम ऑल द बेस्ट है ग्रेट डे की स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड और मिलते हैं कल इसी टाइम पे एक कुछ नए करंट अफेयर के साथ और उम्मीद करता हूं कि कुछ और नई चीजें आप यहां से सीख के जाएंगे